जय हिंद दोस्तों, हम अमोल ताइडे। बहुत से लोग हमें पहचानते हैं। हमारा आज ये वीडियो बनाने का ज़्यादा तो कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये वीडियो बनाने का एक छोटा सा मकसद है कि वो आज हम तुमको बताना चाहते हैं कि हम जो YouTube पर वीडियो डालते हैं तो बहुत से नौजवानों ने और बहुत से लोगों ने हमें कमेंट किया है कि सर आप फौज में है क्या, आप इंडियन आर्मी में है क्या। तो आज हम उनको वो बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं। हम महाराष्ट्र के हैं और बुलढाणा जिला के हैं। तो क्या है कि हम जो वीडियो डालते हैं कि बहुत से लोगों ने हमें कहा है कि आप हमेशा वर्दी पर रहते हैं या यूनिफॉर्म पे रहते हैं तो आप इंडियन आर्मी में है क्या। तो उन्हीं लोगों से आज हम ये कुछ बोलना चाहते हैं कि हम यानी कि हालांकि है क्या चीज़। तो हम ये वर्दी क्यों पहनते हैं कि हमारा भी एक सपना था कि हम इंडियन आर्मी में भर्ती हो सके। हमने भी बहुत से भर्तियां मारी है लेकिन किसी कारण हम फौज में भर्ती नहीं हो चुकी है। कभी तो हाइट में कट जाते थे या कभी मेडिकल में कट जाते थे या कभी फिर एग्जाम में कट जाते थे, और फिर उसके बाद उम्र ज़्यादा हो गई तो इसकी वजह से हम फौज में भर्ती नहीं हो सके। लेकिन हमेशा आदर्श हमेशा शहीद आजम भगत सिंह जी का हमारे आंखों के सामने रखते हैं और हम फैन हैं सबसे बड़े इंडियन आर्मी के, तो इसीलिए हम ये वर्दी पहनते हैं और हमेशा इस वर्दी की इज्जत और सम्मान करते रहते हैं। और हम एक फिजिकल कोच है, सुरक्षा जवानों को हम ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग यानी कि ड्रिल, ड्रिल यानी कि डिसिप्लिन, अनुशासन, एकात्मता। हम नौजवानों को हमेशा सिखाते रहते हैं। और पीटी, सुबह की जो पीटी होती है वो हम उन नौजवानों को सिखाते हैं कि फिटनेस कैसे रखनी चाहिए, मेहनत कैसे करनी चाहिए, और कुछ मोटिवेशन देते रहते हैं ट्रेनिंग सेंटर पर। हम ड्यूटी करते हैं पुणे में, तो इसीलिए हम ये वर्दी पहनते हैं, इसीलिए हम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं। और इस वर्दी का पहनने का मकसद एक ही है हमारा कि हमें देखकर नौजवानों के अंदर कुछ जज्बा आ जाए, देश के लिए करने का कुछ हौसला और निर्माण करे, इसीलिए हम ये वर्दी पहनते हैं। तो कैसा लगा तुम हमारा ये वीडियो, आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर कुछ सवाल या कुछ हमसे आप कुछ जवाब पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि तुम्हें किस सवाल का जवाब चाहिए, हम वो देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आज तुम्हारे सामने हमारा मकसद और एक छोटा सा है कि जो भी नौजवान भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन नौजवानों को हम दिल से सल्यूट करते हैं। और ऐसे ही नौजवानों के अंदर देश के लिए करने का कुछ जज्बा हो और देश की रक्षा वो सही तरीके से करे। आसान नहीं है देश की रक्षा करना, आसान नहीं है देश की रक्षा करना। जिसके अंदर जिगरा होता है देश की रक्षा करने के लिए वही देश की रक्षा कर सकता है। फौलादी जिगर बोलते हैं उसे, तो जो फौलादी होता है वही देश की रक्षा कर सकता है। बहुत से लड़कों ने बहुत ही कोशिश भी किया लेकिन वो फौज में नहीं लग सके। तो हालांकि उनके अंदर भी जज्बा था, जोश था, जुनून था देश के लिए कुछ करने का, लेकिन किसी कारण वो भर्ती नहीं हो सके। उनको भी मेरा सलाम। जय हिंद। अभी जो नई पीढ़ी फौज की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा तौर पर पता नहीं रहता कि ये रनिंग किस तरीके से करनी चाहिए या दौड़ना किस तरीके से चाहिए। तो ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही गुरु
दौड़ते हैं, पता नहीं रहता कि दौड़ने के तरीके क्या होते हैं, किस तरीके से दौड़ना चाहिए। बस लोगों को देखते हैं, लड़कों को देखते हैं, उनके पीछे पीछे या उनके आगे आगे दौड़ते रहते हैं, लेकिन दौड़ने के भी तरीके पता चलना चाहिए, नहीं तो फिर खुद का नुकसान हो सकता है। दौड़ने से खुद का नुकसान भी हो जा अगर गलत तरीके से अगर दौड़ेंगे तो खुद का खुद के शरीर का नुकसान भी हो सकता है। अगर तरीके अगर पता रहते हैं कि दौड़ना किस तरीके से चाहिए, तो अगर वो पता रहता है तो हम फिटनेस में रहेंगे, फिट रहेंगे। हमेशा जूते हमारे पैर में होने चाहिए, प्रैक्टिस अगर हम कर रहे हैं तो जूते हमारे पैर में होने चाहिए, और जो कड़क वाला जो हिस्सा होता है वो कड़क वाले हिस्से पे कभी दौड़ने की कोशिश ना करें। दौड़ते दौड़ते हमारी हड्डियाँ गर्म हो जाती है, तो रोड के साइड के जो मट्टी वाला जो हिस्सा होता है उस मट्टी वाले साइड के हिस्से पर दौड़ना चाहिए। और कम से कम रनिंग करने से पहले 3 घंटा या 4 घंटा पहले कभी खाना ना खाए। और रनिंग करने से पहले कम से कम 10 या 15 मिनट तक वार्म अप करना ज़रूरी है, ताकि उससे हमारा जो खुद का जो शरीर होता है वो गर्म हो जाता है और दौड़ने के लिए आसान हो जाता है। और रनिंग के बाद जब हम ग्राउंड पे पहुंचते हैं या हमारे जगह पर पहुंच जाते हैं, तो रनिंग के बाद कभी आते ही पेशाब नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो हमेशा गर्म रहता है, रनिंग के बाद हमारा शरीर गर्म रहता है, तो इसीलिए आते ही पेशाब नहीं करनी चाहिए। कम से कम 15 या 20 मिनट तक हम वार्म अप करते रहे, जगह पे उछलना, हाथ ऊपर नीचे करना, जैसे कि पैरों को फैलाना, तो ऐसे कम से कम 20 मिनट तक या 25 मिनट तक हमें जगह पे रनिंग के बाद वार्म अप करना ज़रूरी है। उसके बाद हम पेशाब या कुछ आधे घंटे के बाद कर सकते हैं, शरीर अगर हमारा रिलैक्स हो जाता है तो। तब यही हमारा हमारे वीडियो रहते हैं कि जितना हो सके हम बताने की कोशिश करते हैं नौजवानों को, और नौजवानों को हम ड्रिल सिखाते हैं, पीटी सिखाते हैं। ड्रिल यानी कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के हम बहुत सख्त हैं, और नौजवानों को भी वही हम बताते हैं कि जिस जगह पे हम ड्यूटी पर जाएंगे उस जगह की सुरक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि देश की रक्षा सिर्फ हम फौज में लगने के बाद ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो वो तो बिल्कुल 100% हम मानते हैं कि सबसे बड़ा काम जो होता है वो देश के बॉर्डर पर जाकर ही देश की रक्षा करने का ही होता है, लेकिन उसके बाद अगर जो आता है देश की रक्षा करने का तरीका, तो वो हम देश के अंदर भी रहकर भी कर सकते हैं। कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं चाहिए, एक दूसरे को कभी कम मत समझो, ये भी होकर हम देश की रक्षा कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि ये कैसा, अगर हम एक दूसरे को कम अगर समझेंगे तो आपस में झगड़े हो जाएंगे, तो क्या है कि इससे झगड़े करने से किसी का फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो बस यही करो कि सब मिलजुल कर रहो, एक साथ रहो और आपस में एकता के साथ रहो। हम सब एक है, हम सब इंडियन है, हम सब भारतीय है। बस यही एक संदेश हम आपको देना चाहते थे। हम इंडियन आर्मी में नहीं है, हम फौज में नहीं है, लेकिन फौज से कम भी हमारा जिगरा नहीं है। आज भी अगर हमें बॉर्डर पर अगर भेज दिया जाए तो हम कम से कम 10 या 20 आतंकवादियों को या घुसपैठियों को मारकर ही वापस आएंगे। ये हमारा पहले से ही जिगरा फौलाद है। तो जो देश के अंदर जो लोग ड्यूटियां करते हैं, जैसे कि कंपनियों में, इंडस्ट्रीज एरिया में, तो वहाँ पर हमारे जो नौजवान होते हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे, ये जो आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एरिया में, बड़े बड़े कंपनियों में
जिस जगह पर ड्यूटी पर जाते हैं वहाँ पर उनको सिखाया जाता है कि ड्यूटी किस तरीके से करनी चाहिए। जैसे कि हम जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ की निगरानी कैसे करनी चाहिए, ये हम उनको बना कर भेजते हैं। अगर आपको ये सच में अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस सवाल के जवाब आपको चाहिए, किस सवाल के जवाब आपको होने चाहिए, मिलने चाहिए थे, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस सवाल के जवाब हम हमेशा आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। जय।